तो भाई ये देख रहे ना सामने, जैसे लाल किला दिख रहा होगा और इसके साथ में ही आपको आपको दिख रही है घड़ी मार्केट। इसकी एक बारी ब्राइटनेस देख लो, ऐसे में आइडिया लग जाएगा कितनी है। तो भाई यही है वो मार्केट, क्लियर नजर आ रही है। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब भी मजे में होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, खास रहने वाला है, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपने DSLR के लिए वो लाइट होती है ना वो परचेस करने के लिए। वो कौन सी लाइट रहने वाली है, कहाँ से मैं परचेस करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ, चांदनी चौक से मैं लाइट परचेस करने वाला हूँ। और दूसरा ये है कि नबील भाई को मैं आज लेके नहीं जा रहा, तो इनका एक छोटा सा काम है वो मैं खुद ही वहाँ से करके लेकर आऊँगा। और उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एक भगीरथ पैलेस करके एक मार्केट और पड़ती है, जहाँ पे आपको मेडिसिन वगैरह की चीज़ें मिलती है। वहाँ से मुझे एक इंस्टॉल वगैरह आता है जो शोज़ के अंदर डाल रहे थे, क्योंकि मेरी वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अपने लिए वो भी लेकर आऊँगा। तो नबील के लिए क्या लेकर आना है, क्या लेकर आना है भाई? एक वाटर बॉटल एक इनके लिए वाटर बॉटल लेकर आनी है। देखते हैं कितने की मिलती है। अभी ये बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से मैं थोड़ी सी कम बजट वाली लेकर आऊंगा। जब ये समझदार होंगे तो अपने हिसाब से ये खरीद ही लेंगे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं चांदनी चौक के लिए। मैं आपको कैमरा मार्केट लेके जा रहा हूँ। DSLR के लिए लाइट कितने की मिलने वाली है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी कुछ परचेस करना चाहते हैं कैमरे से रिलेटेड, तो वो होलसेल मार्केट है, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं फटाफट आपको मेट्रो से चांदनी चौक लेके चलता हूँ। तो भाई चलते चलते मैं यहाँ तक आ गया, और ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी ये चांदनी चौक मार्केट है। ये जो चांदनी चौक मार्केट है ना, यहाँ से जो ये सामने जितनी भी शॉप है, यहाँ आपको कपड़े वगैरह, और आपको आगे उधर जाएंगे ना, या वो सामने जैसे देख रहे हैं वो पराठे वाली गली, वो आपको दिख रही है। बाकी हमें जो जाना है, अभी हमें जाना है वहाँ पे, ए कांगी ये यहाँ जाना है, यहाँ यहाँ पर है वो जो मार्केट है, जहाँ से मेरे को इसकी लाइट मिलने वाली है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो भाई यही है वो मार्केट। अगर आपको मार्केट देखनी है, वो आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, मंदिर के ठीक पीछे ये मार्केट है, ये रही। इसके अंदर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी लाइट है, कितने की मुझे मिलने वाली है, सारी डिटेल दिखाऊंगा। पर हम आए और यहाँ आने के बाद मेरे को एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, ये इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये कार्ड स्लॉट है। आपके पास अगर DSLR वगैरह है, उसके अंदर अगर आपके पास कार्ड ज़्यादा है तो इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर अगर कार्ड रखने वाली बात बताऊँ मैं, 4 और 4 8 कार्ड इसके अंदर ईजिली आ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एक टूर पर जाने वाला हूँ ना, तो कार्ड अलग अलग कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया है। तो भाई कार्ड वाली बात है, इनका एड्रेस जो है वो एड्रेस देख लो, बाकी बिल्कुल भी परेशान मत करना। सामान जो भी लेना है आपको लेने के लिए आ जाना। यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको एक रफली दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, कैमरा बैग वगैरह ये मिलने वाले हैं, हर तरह के यहाँ पे कैमरा आपको बैग मिल जाएंगे। ये स्ट्रिप वगैरह आप लेना चाहते हैं तो इस तरह के ये बैंड वगैरह जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा छतरी वगैरह चाहिए या ये डब्बी वगैरह, अपने हिसाब से जो भी फ्लैश लाइट के आगे का कवर वगैरह लेना चाहते हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह भाई ये डीजी टैग किया अपने को 2500 रुपये की, भाई ने बताई है ब्राइटनेस इसकी। ये रही शॉप में अगर देख रहे हो तो ये कितनी दे रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। और भाई के ऊपर अगर लगाया तो भाई भी देखो, थोड़ा कम करता हूँ, ये देखो लाइट ज़बरदस्त है। तो भाई भाई ने एक लाइट और हमें दिखाई है, ओसाका कंपनी की है। इसकी एक बारी ब्राइटनेस देख लो भाई, ये 1400 रुपये की लाइट है, और वो है 1000 रुपये की। ब्राइटनेस तो ठीक है, एक बारी बंद करना इसको, ऐसे ऐसे में ही आइडिया लग जाएगा कितनी है। ब्राइटनेस तो सही है। तो भाई अपने को ये लाइट वगैरह देखो भाई, ओसाका की मैंने लाइट यहाँ से परचेज कर ली है, ये रही ये रही, ये 800 रुपये की मुझे यहाँ से लाइट मिली है मुझे इस टाइप की। और ये जो बैटरी देख रहे हैं ना, ये बैटरी मुझे मिली है यहाँ से 900 की। इसके अंदर अगर MAH वाली बात कहें तो इसके अंदर MAH है 24900 MAH की, ये बैटरी मतलब 25000 के अराउंड MAH हो गए। और चार्जर परचेस किया है मैंने ये वाला,
तो ये जो चार्जर देख रहे हैं ना, ये 400 रुपए का चार्जर है जिसके अंदर ये बैटरी इजीली चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर एक खासियत बताई थी भैया ने हमें कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है इसके अंदर लिखे हुए हैं मतलब 20% 25% एंड 100% इस टाइप से ये लिखे हुए हैं। मतलब चार्जिंग की बात करें तो उसके ऊपर देख रहे हैं 4K फास्ट चार्जर लिखा हुआ है, तो देखते हैं वो कितना चार्ज होता है नहीं होता, वो तो घर जाकर ही अभी ये पता चलेगा। यहाँ पे अभी हमारा फाइनल बिल 2100 रुपये का बैठ चुका है, अब हम इन्हें 2100 रुपये दे देते हैं और चलते हैं। तो ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ना, मैं किस शॉप पे खड़ा हूँ ये मैंने आपको पूरा कार्ड दिखा दिया है। नीचे लैंडलाइन नंबर है, अगर कॉल करो तो लैंडलाइन पे कॉल करके पता कर लेना, बाकी एड्रेस आपके पास आ ही गया। ये माता रानी करके ये शॉप है, चौक के अंदर आएंगे ना जब आपको लास्ट में ये शॉप पड़ने वाली है। Later that same evening. तो finally guys, कुल मिला के मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। नबील ने जैसे बोला था वाटर बॉटल के लिए, मैं वाटर बॉटल एक के बजाय दो लेकर आऊँ, एक रोज के लिए लेकर आऊँ, एक नबील के लिए लेकर आऊँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो भाई इन्हें तो वाटर बॉटल मिल गई है, इनके ये जो स्कूल जाते हैं अभी पानी मिलेगा वहाँ पे गर्म। और दूसरा ये कि ये डिजिटल वाली है, दिखाना इसको ओपन करके। तो भाई देखो इस तरह की वाटर बॉटल मिली है मेरे को। अगर प्राइसिंग वाली बात करें तो प्राइसिंग आप ऑनलाइन सर्च मार के देख लेना। बाकी मैंने जो जैसे अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ था कि इसके अंदर कितना पानी ठंडा है। इसके अलावा और मैं क्या क्या लेकर आया हूँ मैं नीचे रखा हुआ है, मैंने वो दिखाता हूँ। तो गाइस इसके अलावा और मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने जो ये लाइट वगैरह जो परचेज करी है उसके लिए मुझे माउंट चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक बारी को माइक भी लगाना होता है, तो माइक के लिए ये ले आया हूँ मैं। अगर चार्जर वाली बात है, चार्जर मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बैटरी वाली बात है, बैटरी ये रही। और अगर ये लेकर आया हूँ मैं, जैसे घर में छोटा मोटा कोई सामान होता है या एयरपोर्ट वगैरह पे मैं निकलता हूँ तो मेरे को आगे से ध्यान रहेगा लगेज का वेट कितना हो रहा है। एक्चुअली 15 किलो होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं ले आया हूँ, ये 50 किलो तक वेट कर देता है। और ये रही हमारी ओसाका की लाइट, और ये रहा हमारा एक ये जो मेरे भाई ज़्यादा अगर व्लॉगिंग वगैरह करते हैं और ये नीचे पैर में अगर आप लगाई सिलिकॉन होता ही है तो उससे पैर नहीं दर्द करेंगे, ये एडी के लिए। इसकी बात करें तो ये 850 रुपये का है, इसकी बात करें तो ये 150 का है, और अगर इसकी बात करें तो ये है। बाकी ये ओसाका जो कंपनी है ना, इसकी ये जो मेरे पास ये रिंग लाइट देख रहे हैं, मैं पहले से इसकी ये रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ। नो डाउट रिंग लाइट वाली बात करें, रिंग लाइट बहुत अच्छी चल रही है विद रिमोट वाली है, और ओसाका की इसीलिए मैं वो कैमरे के ऊपर जो होल्ड करते हैं वो लाइट भी लेकर आ गया हूँ मैं। LED लाइट काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे जो व्लॉगिंग वगैरह में छोटे मोटे मच्छर आते हैं वो नहीं आएंगे अब आगे से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।